केरल के कोची के एक कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में अभी एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक इस धमाके में अब तक एक शख्स की मौत, 25 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस कन्वेंशन सेंटर में चर्च का एक कार्यक्रम चल रहा था। चश्मदीदों के अनुसार यहाँ एक से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई दी। धमाकों के कारण की अभी जानकारी नहीं है, हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटना स्थल की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ समय कन्वेंशन सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस के अनुसार ये धमाका सुबह 9 बजे के आसपास हुआ था। वहीं अब इस हादसे के बाद घटनास्थल पर नियो की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही केरल पुलिस की एटीएस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और कन्वेंशन सेंटर में बम विस्फोट के बाद राज्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने का निर्देश दिया है। वहीं इस ब्लास्ट के बाद सीएम विजयन दिल्ली से कोची के लिए रवाना हो रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर के जिस हिस्से में बम धमाका हुआ है उसे बंद कर दिया है और पूरे सेंटर को खाली करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस सेंटर में पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था और आज इसका अंतिम दिन था। बता दें कि यहाँ ईसाइयों से पृथक समूह यहोवा समुदाय का ये प्रेयर कन्वेंशन हो रहा था। यहोवा समुदाय के लोग ईसाई भी नहीं है और यहूदी भी नहीं है, लेकिन यहूदी परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। यहाँ 3 दिन की बैठक में कल इजराइल और यहूदियों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद ब्लास्ट होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है।